अगर आपको टॉयलेट जाने में तकलीफ होती है या फिर आपकी यूरिन फॉगी क्लाउडी या फिर बहुत ही ज्यादा बदबू के साथ आता है या फिर आपके यूरिन में ब्लड दिखता है या फिर आपके कमर के साइड पर चुभन की तरह दर्द या फिर उससे भी तेज दर्द होता है या फिर आपको टॉयलेट जाने की एकदम सी चाह होती है पर टॉयलेट जाने पर बिल्कुल थोड़ा सा ही यूरिन पास होता है वो भी बहुत ही ज्यादा दर्द के साथ, तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम देखने को मिले तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप भी किडनी स्टोन यानी कि पथरी का शिकार हो चुके हैं या फिर किडनी स्टोन होने का संकेत हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि किडनी स्टोन यानी कि पथरी होने का कारण क्या क्या है, तभी तो आप उस कारण को बदल पाएंगे, हटा पाएंगे अपनी जिंदगी से। देखिए, किडनी स्टोन होने का मुख्य दो कारण है। पहला, आपका यूरिन का कंसंट्रेट हो जाना यानी कि आपका यूरिन का गाढ़ा हो जाना। जी हाँ गाइस, अगर आपके शरीर में पानी का मात्रा कम है तो उससे क्या होगा, आपके पेशाब नली में वेस्ट प्रोडक्ट धीरे धीरे जमा होने लगेगा, तो उससे क्या होगा, वही वेस्ट प्रोडक्ट से क्रिस्टल फॉर्मेशन होने लगता है जो कि बाद में जाकर किडनी स्टोन यानी कि पथरी का रूप ले लेते हैं। चलिए आपको मैं इसे एक एग्जाम्पल देकर बता देता हूँ। मान लीजिए कि एक नाला है, उसमें पानी भी बह रहा है और कचरा भी बह रहा है, और वो नाला में अगर मान लीजिए पानी का मात्रा कम हो जाए तो उससे क्या होगा, वो कचरा सब धीरे धीरे जमा होने लगेगा और ये एक दिन ऐसा आएगा कि ये नाली ब्लॉक हो जाएगा। इसी तरह का प्रोसेस हमारे बॉडी में भी होता है। अगर हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम है तो हमारे पेशाब नली में धीरे धीरे वेस्ट प्रोडक्ट जमा होने लगेगा और वही वेस्ट प्रोडक्ट क्रिस्टल फॉर्मेशन करने लगेगा और वही क्रिस्टल बाद में जाकर किडनी स्टोन बन जाता है। इसी तरह किडनी स्टोन होने का दूसरा मुख्य कारण है आपके यूरिन में कैल्शियम एंड यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाना। जी हाँ गाइस, अगर आपके यूरिन में कैल्शियम का मतलब ज्यादा है तो वो क्या करेगा, आपके शरीर में पाया जाने वाला ऑक्सालेट से बहुत ही जल्दी बॉन्ड करने लगेगा। वही ऑक्सालेट और वही कैल्शियम बॉन्ड करने की वजह से क्रिस्टल ज्यादा फॉर्मेशन होगा, उससे क्या होगा, आपको किडनी स्टोन होने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो अब तो हमने ये जान लिया कि किडनी स्टोन होने का कारण क्या क्या है, अब हम ये जानेंगे कि किन किन लाइफ स्टाइल को बदलकर हम एक किडनी स्टोन से बच सकते हैं या फिर फ्यूचर में भी अगर आपको किडनी स्टोन होने वाला हो उससे भी रोका जा सकता है या फिर आपके बॉडी में किडनी स्टोन है उसे भी किस तरह बाहर निकाला जाए वो तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए जान लेते हैं किडनी स्टोन से बचने के लिए हमको किन किन लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहिए, किस किन किन लाइफ स्टाइल पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला नंबर पर आता है पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। जी हाँ गाइस, ये तो सबको पता होता है कि पर्याप्त मात्रा पानी पीने से किडनी स्टोन से होने के खतरे से हम लोग बच सकते हैं, लेकिन गाइस हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग पानी पीना भूल जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल में अलार्म सेट कर लीजिए हर घंटे की, और हर घंटे अलार्म बजने पर आप पानी पीजिए, जितना हो सके उतना पानी पिए। आप आधा गिलास हो सके तो आधा गिलास पिए, एक गिलास हो सके तो एक गिलास पिए, और ऐसा करने से आप अपने पानी पीने के समय कभी नहीं भूल पाएंगे। जी हाँ गाइस, कई सारे डॉक्टर ने अपने एक्सपीरियंस से ये भी कहा है कि ज्यादा पानी पीने के वजह से 90% चांस हो जाता है 4 mm तक किडनी स्टोन अपने बॉडी से बाहर निकलने की विदाउट एनी ट्रीटमेंट। इसी तरह अगला जो लाइफ स्टाइल है, आप अपने हर दिन के डाइट में शुगर और नमक कम करना है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके बॉडी में नमक की मात्रा ज्यादा है तो उससे क्या होगा, आपके यूरिन में कैल्शियम ज्यादा रिलीज होने लगेगा, और कैल्शियम ज्यादा रिलीज होगा तो क्या होगा, वो ऑक्सालेट के साथ ज्यादा बॉन्ड करेगा, और वो दोनों बॉन्ड करने से क्या होगा, क्रिस्टल ज्यादा फॉर्मेशन होगा, जिससे क्या होगा, हम लोगों को किडनी स्टोन होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए गाइस, हम लोगों को हर दिन के डाइट में शुगर और नमक की मात्रा घटाना चाहिए। इसी तरह अगली जो लाइफ स्टाइल है वो है आपको प्रत्येक दिन में कम से कम एक बार आपको नींबू पानी का सेवन करना है, क्योंकि नींबू पानी में क्या होता है, सिट्रेट होता है, वो क्या करता है, कैल्शियम और ऑक्सालेट को एक आपस में बॉन्ड करने से रोकता है, जिससे क्या होगा, आपको किडनी स्टोन होने का खतरा कम हो जाता है। जी हाँ गाइस, ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको ये इजीली अवेलेबल हो सकता है कहीं पे भी, और ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव भी है। इसी तरह से अगली जो लाइफ स्टाइल है वो है आपको हर दिन के डाइट में ऑक्सालेट कंटेनिंग फूड को कम करना है, और ऑक्सालेट कंटेनिंग फूड किस किस में पाया जाता है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि मान लीजिए स्पिनाच हो गया, आलमंड हो गया, या फिर किसी भी प्रकार का बीन्स हो गया। अगली जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा मुश्किल होगा उन लोगों के लिए जो नॉन वेजिटेरियन है। जी हाँ गाइस, आपको एनिमल प्रोटीन कम करना है, एनिमल प्रोटीन जैसे कि एग हो गया, चिकन हो गया, मीट हो गया। इसी तरह से किडनी स्टोन का कुछ मिसकंसेप्शन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपसे ये मिसकंसेप्शन दूर करना चाहता हूँ। मिसकंसेप्शन में सबसे पहला नंबर पर आता है बियर का सेवन करना। जी हाँ गाइस, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हम अपनी किडनी स्टोन को बियर पीकर बाहर निकाल सकते हैं या फिर किडनी स्टोन को गलाकर बाहर निकाल सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किडनी स्टोन का और बियर का एक आपस में कोई रिलेशन नहीं है, उल्टा ये बियर अल्कोहल है, आपका किडनी डैमेज कर सकता है। तो इसीलिए गाइज, आपके लिए यही अच्छा रहेगा कि ऐसे मिसकंसेप्शन से आप दूर रहे
अगली जो मिसकंसेप्शन है वो है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को लेकर। जी हाँ गाइस, कई सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे वो कहेंगे कि मिल्क पीने से हम लोगों को किडनी स्टोन का खतरा बढ़ जाता है। जी नहीं गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कैल्शियम हमारे शरीर के लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक पौष्टिक तत्व है। कैल्शियम हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ करता है, हमारे बोन को स्ट्रेंथ करता है, इसीलिए हमारे बॉडी के लिए कैल्शियम बहुत ही आवश्यक है। हमारे बॉडी में कैल्शियम और ऑक्सैलेट मिल के क्रिस्टल फॉर्मेशन करता है ना, तो हमको ऑक्सैलेट को कैसे कम करना है उस पर ज्यादा ध्यान देना है। ऑक्सैलेट को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑक्सैलेट कंटेंट फूड को कम कीजिए, पानी ज्यादा सेवन कीजिए, नून और शुगर की मात्रा कम कीजिए, डेली एक्सरसाइज कीजिए। ये सब आप कर आप अपने बॉडी में ऑक्सैलेट की मात्रा घटा सकते हैं। इसी तरह अगली जो मिसकंसेप्शन है वो है किडनी स्टोन के दर्द को लेकर। जी हाँ गाइज, कई लोग ये कहेंगे किडनी स्टोन का दर्द नॉर्मल पेट दर्द जैसा ही होता है, लेकिन गाइज एक गर्भवती माँ अपने बच्चे को जन्म देते समय जितना दर्द सहन करना पड़ता है ना, उससे ज्यादा दर्द होता है ये किडनी स्टोन का दर्द। इसीलिए गाइज अगर आपको लगे कि कमर के साइड पे बहुत ही तेज दर्द हो रहा है तो तुरंत आप अपने नजदीकी हॉस्पिटल के डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। किडनी स्टोन आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ सिंपल से टेस्ट होते हैं, जैसे कि एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, यूरिन सैंपल हो गया, जो कि आप अपने डॉक्टर से सलाह अनुसार करवा सकते हैं। और इसे आइडेंटिफाई कर हम लोग ये पता कर सकते हैं कि आपको मेडिसिन जरूरी है या फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट जरूरी है। और अगर किसी व्यक्ति को एक बार किडनी स्टोन हो जाए तो उसे दोबारा होने के चांसेस यानी कि प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए गाइज कभी कभार आपने भी सुना होगा कि किसी व्यक्ति को कहते हुए कि हमने तो किडनी स्टोन का ऑपरेशन करा लिया फिर भी हमको दोबारा हो गया। अगर किसी डॉक्टर ने आपका किडनी स्टोन ऑपरेशन करके बाहर निकाला है तो फिर से दोबारा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि आपको फिर से दोबारा किडनी स्टोन हुआ है, ना कि पहला ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट हुआ है, इसकी वजह से आपके शरीर में किडनी स्टोन छूट गया है। इसीलिए गाइस ये भी एक तरह का मिसकंसेप्शन भी हो सकता है। इसी के साथ साथ आपको मैं एक हेल्थ टिप्स के बारे में बताता हूँ जिसकी मदद से आप अपने किडनी स्टोन होने के खतरे को बचा सकते हैं। वो है कैलन की पीनट यानी कि पत्थर चट्टा। अगर अवेलेबल हो सके जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे अवेलेबल हो सके तो कैलन क्विक पिनाटा का 2-3 पत्ते सुबह शाम चबाकर खाना है। उससे क्या होगा, ये कैल्शियम और ऑक्सैलेट एक दूसरे से बॉन्ड नहीं कर पाएगा, उससे क्या होगा आपको किडनी स्टोन होने का खतरा कम हो जाएंगे। किडनी स्टोन यानी कि गुर्दे की पथरी, ये एक गंभीर समस्या है जिसमें ना सहने वाला दर्द होता है और इसमें किडनी फेल होने के खतरे भी होते हैं। अब हम जानेंगे 6 ऐसे फूड के बारे में जो आपके बॉडी से किडनी स्टोन निकालने में मदद करते हैं। सबसे पहला नंबर पर आता है अनार का जूस या फिर अनार का सलाद खाइए आप। दूसरे नंबर पर आता है सेब के सिरके। तीसरे नंबर पर जैतून का तेल एंड नींबू पानी का रस। चौथे नंबर पर तरबूज वाटरमेलन। पांचवें नंबर पर है प्याज का रस और छठे नंबर पर है अंगूर का रस। जी हाँ गाइज, ये 7 ऐसे फूड है जो आपके बॉडी से किडनी स्टोन निकालने में मदद करते हैं। गाइज ये इन्फॉर्मेटिंग वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा उन लोगों के साथ जो लोग किडनी स्टोन का इलाज ढूंढ रहे हैं और जो लोग किडनी स्टोन से पीड़ित है। और ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।